इस कायनात की सबसे कीमती चीज औलाद है। शादी के बाद अभी कल ही एक जगह एक बच्ची, मौलाना 6 साल हो गए औलाद नहीं, दुआ कर ले अल्लाह औलाद दे, 6 साल हो गए औलाद नहीं। 86 साल की उम्र तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह बच्चा दे, या अल्लाह बच्चा दे, या अल्लाह बच्चा। 86 साल की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया, 86 साल की उम्र। जब वो हो जाता है तो कायनात की सबसे कीमती मता है, जेवर से कीमती, कपड़े से कीमती, बर्तन से कीमती, प्याली से कीमती, एक्सट्रे से कीमती, घड़ी से कीमती, मोबाइल से, कायनात की हर चीज से कीमती मता है। इन्हीं माओं से पूछता हूं, क्या रवैया रोज करती? रोजाना पिट रहे होते हैं, और मेरी कांडते मां दे डंडे हाली भी हो सन, ठो 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 ठो। हमारे मां बाप को पता नहीं, मैंने बहुत छोटी उम्र में सिगरेट पीना शुरू कर दिया, गांव का माहौल, जिमीदारा आजाद, मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दी। मेरी मां को पता चल गया, मासी, अब मां ने मेरा मुंह खोला हुआ ऐसे, और मासी ने चिमटे में अंगारा डाल के मेरे मुंह में डाल, पामा तेरे मुंह में, पामा तेरे मुंह में, और मेरी हाओ मैं नहीं पींदा, मैं नहीं पींदा। ये मुझे सिगरेट से हटाया जा रहा है कैसे, इसलिए मैंने कोई 8-9 साल की उम्र में सिगरेट शुरू कर दिए थे। तो मां ने यूं मेरे जबड़े खोले हुए, और मासी ने चिमटे में ना अंगारा, और पामा पामा तेरे मुंह, पामा तेरे मुंह। मैं कह भाई आज मेरी खैर नहीं, ओ मैं नहीं पींदा, ओ मैं नहीं पींदा। बाहर जाके मैं फिर पी रहा था। अच्छा, और मेरे छोटे भाई ने देख लिया, उसकी उम्र क्या होगी, 6 साल। मैं कह भाई मारे गया, इस जरूर जा दसना है। मैं कह तार में और हमें, मैं कह तू भी पी ला, मैंने एक उसको पिला दिया ताकि मेरी शिकायत न लग, मेरी शिकायत नहीं लगे, क्योंकि मार पिटाई आसान रास्ता ना चुप कराने का, बंद करने का आसान काम है, 2-4 थप्पड़ मारो चलो, बच्चा रो धो के चुप हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते अपने नबी की जिंदगी पढ़ो। इस इदारे का मकसद भी कोई, हमको स्कूल नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई स्कूल के मुकाबले में स्कूल नहीं है, सिर्फ अपने नबी की जिंदगी बताना है।